हम लोग आज नया टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है वो सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, इसको इंग्लिश में कहेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे? सतत आवेश वितरण। इसको इंग्लिश में अगर बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सतत आवेश वितरण है क्या? जब किसी वस्तु पर एक समान रूप से आवेश का वितरण होता है, जब किसी वस्तु पर एक समान रूप से आवेश का वितरण होता है तो उसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। इफ अ बॉडी हैज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कंटिन्यू दैट चार्ज विल बी कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि किसी वस्तु पर चार्ज एक समान रूप से वितरित होता है तो हम क्या कहेंगे? सतत आवेश वितरण। इफ अ बॉडी हैज डिस्ट्रीब्यूट इक्वल यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट मे बी थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो तीन तरीके से हो सकता है, या तो एक रेखीय हो सकता है, या तो दो रेखीय हो सकता है, या त्रिरेखीय हो सकता है, मीन्स लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि लिनियर वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में करते हैं। तो इस प्रकार से देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी कि सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण। क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिनियर चार्ज, लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लिनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे? लिनियर चार्ज डेंसिटी या लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले इसको बात करते हैं हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्या जैसे डिनोट करते हैं? लिनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। क्या होता है? क्यू बाई एल। तो मान लेते हैं ये कोई वायर है, ये वायर की लेंथ जो है एल है और इस पर जो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको हम डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे कि जब आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी वक्र या रेखा पर वितरित होता है तो प्रत्येक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर से एक बार कहेंगे कि इफ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन अ कर्व और ऑन अ लाइन देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लिनियर चार्ज डेंसिटी। इफ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लेंथ और अ कर्व देन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। तो इसको हिंदी में कहेंगे प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश वितरण कह देते हैं। रेखीय आवेश वितरण को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, अर्थात लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। अब आते हैं इसकी राशि की बात करते हैं कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ लैम्डा, मींस ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम कहेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो रेखीय आवेश घनत्व है, लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो स्केलर क्वांटिटी है, मींस एक अदिश राशि। फिर इसकी बात करते हैं एसआई यूनिट की, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कहते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कूलम्ब पर मीटर। इसका होता है कूलम्ब और इसका होता है पर मीटर। क्या हो जाएगा? पर मीटर।
और डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कहेंगे इसका एटी होता है और इसका एल होता है, तो इस तरह से एटीएल इनवर्स, एयरटेल मत भूलिएगा, एटीएल इनवर्स इसको बोलेंगे, ठीक। तो इस तरह से हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। एक एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल में सपोज दैट ये कोई रिंग है जिसका रेडियस हमारा कैपिटल आर है, कोई रिंग है जिसका रेडियस हमारा कैपिटल आर है, देन व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रिंग, इस रिंग का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, उसका मान निकालना होगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है लैम्डा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं क्यू बाय एल, एल मींस टोटल लेंथ ऑफ अ रिंग, इस रिंग का टोटल लेंथ हमारा क्या होता है 2 पाई कैपिटल आर, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। सेकेंड बात करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको क्या करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, क्या जैसे डिनोट करते हैं सिग्मा से करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय के, फॉर्मूला पहले लिखते हैं इसलिए कि भी आपको याद करने में इसको आसानी हो। मान लेते हैं कोई हमारा रिंग है, इसके सरफेस पे इस तरह से, इसके सरफेस पे इस तरह से हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक, ये सरफेस है, इस तरह से हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम कहेंगे कि ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका फॉर्मूला कहेंगे कि जब किसी वस्तु पर एक समान रूप से आवेश का वितरण हो तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहेंगे कि वेन अ बॉडी हैज इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ सरफेस देन पर यूनिट एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, व्हिच क्वांटिटी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्केलर क्वांटिटी, मींस यह एक अदिश राशि। इसका एसआई मात्रा की बात करते हैं, हम जिस तरह से ऊपर बोले हैं कि ये कूलम होता है और इसका मीटर स्क्वायर, तो ये पर मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डेंसिटी इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्या कहेंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन वी कैन से दैट सरफेस चार्ज मींस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू, ये होता है ए डी और इसका होता है एल का पावर माइनस टू, तो इस तरह से हम कहेंगे ए डी का पावर माइनस टू। और फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं कि सपोज दैट कोई ये आपका स्फीयर, गोला जिसको बोलते हैं, कोई स्फीयर है, इसके स्फीयर में इक्वल जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जिसका रेडियस हमारा कैपिटल आर है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्फीयर व्हिच रेडियस इज कैपिटल आर, यदि किसी गोले की त्रिज्या कैपिटल आर हो तो उस गोले का सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कितना होगा, तो कहेंगे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई और इसका गोले का आप जानते हैं एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, तो इस तरह से मेरा आंसर हो गया सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं, थर्ड ये जो है आपका आयतनी आवेश वितरण, आयतनी आवेश वितरण
जिसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू होता है क्यू बाई के, रो इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई के। इसको इस तरह से हम बात करते हैं, कोई स्फीयर है इसके वॉल्यूम पर जो है वो चार्ज, यानी कि इसके अंदर जो है वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, और इसको अगर हमें डिफाइन करना होगा तो यदि किसी वस्तु पर एक समान रूप से, यदि किसी वस्तु पर एक समान रूप से आवेश का वितरण हो तो प्रत्येक आयतन पर आवेश के वितरण को हम आयतनिक आवेश वितरण कहते हैं, या सिंपल परिभाषा इसको आप ऐसे भी दे सकते हैं, प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आयतनिक आवेश वितरण कहते हैं, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय रो, इट इज डिनोटेड बाय रो, दैट इज रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी। अब इसका क्वांटिटी की बात करते हैं तो इट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, मींस चार्ज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, या एक अदिश राशि है। इसका एसआई यूनिट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कूलम, और इसका होता है पर मीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कूलम पर मीटर क्यूब। एंड व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम कहेंगे ए टी एल का पावर माइनस थ्री, ए टी एल का पावर क्या हो जाएगा माइनस थ्री। एक एग्जांपल की बात करते हैं, सपोज दैट एक स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इसमें इक्वली रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, देन व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ अ स्फीयर। क्वेश्चन है कि कोई गोला है जिसका त्रिज्या कैपिटल आर है, उस गोले का पृष्ठीय वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आयतनिक आवेश वितरण क्या होगा। तो हम जानते हैं आयतनिक आवेश वितरण, वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय वी, वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय वी, देन वी आल्सो नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4 by 3। आप इस तरह से लिख सकते हैं, means lambda is equal to 3 cube by 4 pi r cube, this is the final answer of this question। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, यदि आप हमारे नए स्टूडेंट हैं तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो यार इस क्लास को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। तो आते हैं नेक्स्ट।